नागपुर पहुंचे एडीजी ट्रैफिक बीडी पालसन ने नगर निगम स्थित आईटीएमएस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आईटीएमएस द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की और आम नागरिकों का आईटीएमएस के प्रति क्या फीडबैक है इसकी जानकारी ली। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए एडीजी ट्रैफिक बीडी पालसन ने बताया कि शहर के अंदर क्राइम कंट्रोल में आईटीएमएस का अहम रोल है। सीसीटीवी से निगरानी के कारण अपराधियों पर नजर बनी रहती है। इस दौरान उन्होंने आईटीएमएस प्रणाली में आम और सुधार लाने व आईटीएमएस के तहत और भी फ्यूचर को अमल में लाने का निर्देश दिया। इस अवसर पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई, एसपी ट्रैफिक जहाँ श्याम देव बिंद सहित अन्य यातायात पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एडीजी ट्रैफिक बीडी पालसन ने कहा, कुछ यहाँ तो आईटीएमएस सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसको मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर भी यहाँ मौजूद है, उसे जानकारी लिया है कितना चौराहों पर क्या स्थिति है, सभी कैमरा सुचारू रूप से चल रहे हैं या नहीं है, और इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और इसी के साथ साथ आईटीएमएस में बहुत फीचर्स हैं, ऑप्टिमल लेवल पर लेके आना है उसको और सभी फीचर्स को इस्तेमाल करनी है। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन रोड्स हैं, इसका वजह से कुछ कैमरा हमारा अभी फंक्शनल नहीं है, तो हम चाहते हैं कि 100% अगर आईटीएमएस का सिस्टम चालू रहेंगे तो इस तरफ की अपराध में या खोया पाया या किसी चुनौती के घटनाओं पर जो है तुरंत नई वाहन लिफ्टिंग में भी अंकुश लगाया जा सकता है, क्राइम कंट्रोल में भी हमको बहुत कामयाबी हो सकता है। कोई व्हीकल आपको मिलेगी किस समय एंट्री हो गए हैं गोरखपुर में और पूरा दिन में कहाँ कहाँ घूमा है, कहाँ पार्किंग हुआ है, कहाँ रेस्ट लिया है, सब इसे लिया जा सकता है। दैट्स व्हाट मैं सभी अपना अधिकारियों को भी बता रहा था कि इसको मैक्सिमम यूज किया जाए और फोर्स जितना लोग लगे हुए हैं कमिटेड है, अच्छा है, इनको थोड़ा मनोबल हेतु अच्छा इनको शाबाशी देके